लोहरदगा जिले में नाबालिग के साथ छह युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित प्रेमी सहित पांच गिरफ्तार हुए हैं। एक युवक फरार है। विवाह समारोह में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नाबालिग आई थी। सभी आरोपितों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। बनरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि छह युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, लोहरदगा की यह खबर। जिले में नाबालिग के साथ छह युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे लोहरदगा से योगी अमित, इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, नाबालिग के साथ छह युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है? जी, अपने दर्शकों को बता दें कि भंडरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छह युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया। जिसकी सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और एक युवक फरार है। इसमें नाबालिग का प्रेमी भी शामिल है, जबकि एक आरोपित अभी पुलिस के नजर से फरार है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि भंडरा थाना क्षेत्र में एक गांव में विवाह कार्यक्रम चल रहा था, इसी कारण नाबालिग का एक प्रेमी है, सेना थाना क्षेत्र के डगिया गांव का रहने वाला माइकल उराव, वो आया हुआ था और इस शादी समारोह स्थल के पास कुछ दूरी पर नाबालिग अपने प्रेमी के साथ घूमने गई थी, जहाँ पर पहले से घात लगाकर बैठे ग्रामीण जो खुद थे वो उसके साथ नाबालिग उसके जो प्रेमी था उसके साथ मारपीट की और जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। नाबालिग की घटना के की जानकारी उसके प्रेमी ने उसके नाबालिग के स्वजनों को दिया है, जबकि उसके बाद नाबालिग के स्वजन पूरे मामले की जानकारी भंडरा थाना पुलिस को दी। बिल्कुल अमित, पुलिस को पूरी जानकारी है? पुलिस ने किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है कि आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? जी, बता दें कि भंडरा थाना में कांड संख्या 22/2012 कर लिया गया है और उसके तो आरोपियों में से पांच उसके प्रेमी से पांच लोगों को गिरफ्तार कर ली गई है और एक युवक जो है अभी फरार है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, छह युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने आश्वासन जरूर दिया है कि सभी छह आरोपी जो है जिन्होंने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन परिजनों में आक्रोश है और परिजन हंगामा कर रहे हैं।